कोटा शहर के कोविड अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा टल गया। यहां ओवरलोड होने से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के बिजली के पैनल में आग लग गई। आग लगने से कर्मियों की सांसें फूल गई। आनन फानन में सीज फायर से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तीन में से एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को बंद करवाया गया। एक जनरेशन प्लांट बंद होते ही वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी देर के लिए बाधित हुई। दरअसल नए अस्पताल में 120-120 सिलेंडर क्षमता वाले दो जनरेशन हैं, वहीं 3-4 दिन पहले करीब 50 सिलेंडर की क्षमता वाला एक और प्लांट लगा है। देर रात 120 क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में ओवरलोड होने से बिजली पैनल में आग लग गई। कर्मिकों ने प्लांट में सीज फायर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। एक दो के एक्सपायरी होने से सीज फायर ने काम नहीं किया, वह नहीं खुले। कर्मिकों ने जैसे तैसे एक सीज फायर को खोल कर आग पर काबू पाया। प्लांट इंचार्ज डॉक्टर CL खेड़िया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, कारण तो इलेक्ट्रिशियन ही बता पाएंगे। वैसे तीन प्लांट के पैनल अलग अलग दे रखे हैं, लोड के बारे में आयन ही बता पाएंगे। एक्शन अवध बिहारी मकवाना ने बताया कि तीनों प्लांट में अलग अलग केबल लगी है। मेन स्विच के गर्म होने से स्पार्किंग हुई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। एहतियात के तौर पर एक प्लांट को बंद कर दिया गया है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।